टॉपिक रोटेशनल मोशन, इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत हुआ था, कुछ और बेसिक बातें जो डिस्कस करनी है उसे समझ लेते हैं। देखो, रोटेशनल मोशन किसे कहते हैं? ऐसा मोशन जिसके सभी पार्टिकल नहीं, जिसके सभी पार्टिकल किसी एक पॉइंट के अबाउट कर्व पाथ में या सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करे, मतलब सर्कुलर पाथ में मोशन करे। नहीं, रोटेशनल मोशन का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी किसी एक पॉइंट के अबाउट, ये पॉइंट फिक्स हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, आई बात समझ में? अगर पॉइंट फिक्स हुआ तो उस पॉइंट को हम लोग पिवोटेड पॉइंट कहेंगे, अगर पॉइंट फिक्स नहीं हुआ तो वो पॉइंट आपका सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा। नहीं, इसके सभी पार्टिकल किसी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट, और वो फिक्स पॉइंट इसका सेंटर हो जाएगा, इसके मोशन सर्कुलर मोशन जो होंगे ना इनका, उनका सेंटर हो जाएगा, हाँ कि नहीं? जैसे ये पार्टिकल था बाबू, ये पार्टिकल यहां से यहां गया, मोशन किया सर्कुलर इस सेंटर के अबाउट, उसी तरह से ये पार्टिकल यहां से यहां गया, मोशन किया सर्कुलर इसी सेंटर के अबाउट, ये पार्टिकल यहां से यहां गया, मोशन किया इस पॉइंट के अबाउट सर्कुलर, इसी तरह का मोशन होगा। यहां पे बस ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके जो सारे पार्टिकल्स होंगे ना सर, सारे पार्टिकल्स जिस पॉइंट के अबाउट मोशन कर रहा होगा, सबका अपना खुद का ट्रैक होगा सर्कुलर, सबका अपना खुद का सर्कुलर ट्रैक होगा, और उस ट्रैक का रेडियस अलग होगा, नहीं उस ट्रैक का रेडियस सबका अलग अलग होगा। तो जब भी ऐसा मोशन हो, जब भी ऐसा मोशन होगा उसे हम लोग कहते हैं रोटेशनल मोशन, ठीक है ना? हर पार्टिकल का मोशन सर्कुलर ही तो है, कंसेंट्रिक सर्कल्स, सारे कंसेंट्रिक सर्कल बना रहे होंगे विथ डिफरेंट रेडियाई, सबके रेडियस अलग अलग होंगे। तो थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर हुआ। और ये पॉइंट देखो, हम बार बार बोल रहे हैं कि रोटेशनल मोशन में जो पिवोटेड पॉइंट है वो फिक्स भी हो सकता है और फिक्स नहीं भी हो सकता है, पिवोटेड पॉइंट फिक्स होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। नहीं, ये जो पॉइंट पिवोटेड पॉइंट है, पिवोटेड पॉइंट ये फिक्स्ड हो भी सकता है नहीं और फिक्स नहीं भी हो सकता है, ये मे और मे नॉट फिक्स्ड, पिवोटेड पॉइंट मे और मे नॉट फिक्स्ड होगा। हाँ, अगर पिवोटेड पॉइंट फिक्स नहीं हो तो इस पिवोटेड पॉइंट को आप ये कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट, नहीं मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है? ये चीजें हम लोग सीख चुके थे। नहीं, अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे तुम्हें सर्कुलर देखो, एक नहीं दिख रहा है कि हर इंडिविजुअल पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, हर इंडिविजुअल पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहां पे तुम्हें सर्कुलर मोशन में जितनी भी सारी चीजें सीखी है वो सारा का सारा यूज होगा, सारे यूज होंगे यहां पे। आप ये बताइए, सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था, याद होगा आपको? डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, नहीं एंगुलर एक्सेलरेशन सीखे थे ना, उसको एक बार रिकैप करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? एक चीज है और समझ लो कि रोटेशनल मोशन में क्या होगा, जैसे देखो एक होता था हमारा ट्रांसलेशनल मोशन, जिसको आप लिनियर मोशन भी कह सकते हैं, नहीं लिनियर मोशन। रोटेशनल में अगर हम एक पार्टिकल को पकड़ ले तो वो सर्कुलर होगा, एक पार्टिकल को पकड़ ले सर्कुलर होगा, ये चलो रोटेशनल मोशन कर देते हैं, रोटेशनल मोशन।
हर इंडिविजुअल पार्टिकल, एक पार्टिकल इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है इसमें थीटा, एक पार्टिकल और हर पार्टिकल का थीटा रोटेशनल मोशन में चेंज नहीं होगा, सबका सेम, मतलब सबका सेम होगा। इस टाइम में ये जितना थीटा बना रहा है ये वाला पार्टिकल, उतने ही टाइम में ये वाला पार्टिकल भी उतना ही थीटा बना रहा है। देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखो ये थीटा 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 थीटा, क्या सबका थीटा अलग है? एंगल तो सेम ही है ना। हाँ, अगर मान लो, और आपको ये रिलेशन याद होगा, याद था, अगर ये सबका रेडियस अपना अपना खुद का होगा, सबका रेडियस मान लीजिए अपना खुद का है, तो वैसे अगर इस आर के लिए अगर हम बात करें, सिर्फ इसके लिए अगर हम बात करें, ये अगर एस होता है, ये होता है थीटा बाबू और ये होता है आर, और आपको याद होगा कि थीटा इक्वल टू होता है एल बाय एस, एल बाय आर, सॉरी एस बाय आर, मतलब एस इक्वल टू आर थीटा, पता है ये? नहीं तो याद रखिए, आपको जैसे ये मान लीजिए कोई ट्रायंगल है या आर्क है, ये लेंथ ऑफ आर्क होता है, लेंथ ऑफ आर्क यहां पे कितना हमने माना है एस मान लो, और ये अगर थीटा रेडियस हो तो ये एंगल होता है थीटा, थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, या इसी को हम लिख सकते हैं एस इक्वल टू आर थीटा, क्लियर है? एस इक्वल टू आर थीटा, ये रिलेशन होता था, बोले थे रिकैप करके आने के लिए। उसके बाद इसमें एक और चीज होती थी कि वेलोसिटी होती थी लीनियर वाली, लीनियर वेलोसिटी नहीं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टाइप की, तो यहां पे भी लीनियर वेलोसिटी होती है जिसको हम लोग कहते हैं ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है, ये क्या कहलाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसे क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। और अगर आपको याद होगा तो ये रिलेशन बनता था क्या, v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ ओमेगा, करने का तरीका आपको पता है। उसके बाद इसमें और एक रिलेशन होता था अल्फा का, नहीं सॉरी, इसमें एक्सेलरेशन ये हुआ, ये एक्सेलरेशन होता था एक्चुअल में दो पार्ट में, एक टेंजेंशियल और एक एंगुलर, सॉरी क्या बोलते हैं, सेंटीपिटल, और ये नेट एक्सेलरेशन होता है, नहीं ये जो एक्सेलरेशन की बात करते हैं वो नेट होता है, और यहां पे हम लोग बात करते हैं इसमें होता है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। आपको ये भी याद होगा कि ए इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ अल्फा, और ये नेट ए होता है, ये दो हिस्से में होते हैं, ये एक्सेलरेशन के दो पार्ट होते हैं, एक टेंजेंशियल होता है और एक सेंटीपिटल होता है। थोड़ा बहुत आइडिया आपको फिर से हम रिकैप कर देंगे, ये हो जा। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है रोटेशनल में स्पेशली, रोटेशनल में स्पेशली आपको ये, इसी टेबल को यहां पे कंटिन्यू कर रहे हैं बाबू, इसी टेबल को यहीं पे कंटिन्यू कर रहे हैं। रोटेशनल में एक चीज और आपको देखनी है क्या, कि अगर कोई भी मोशन होगा ना तो उसमें फोर्स लगेगा, एफ एफ मोशन करवाएगा आपका, सर्कुलर हो या ट्रांसलेशनल टाइप का मोशन हो, लेकिन जब रोटेशनल मोशन होता है ना वहां पे जो फोर्स लगता है उसका नाम होता है टर्क, टाउ, ठीक है? जैसे एफ बराबर एम ए होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहां पे मास, याद होगा कि एक टर्म आता है जो पढ़ेंगे स्पेशली इस चैप्टर का मेन पार्ट होगा आई, इनर्सिया, और ए मतलब अल्फा। देखो कितनी बढ़िया एनालॉजी है, आपको टाउ बराबर आई अल्फा आ गया, जो मेन डिस्कशन वाला टॉपिक होगा इसमें, ठीक है? ये आई क्या है, इसमें ये एम क्या था, मास था ना, एम जो है वो मास को स्पेसिफाई कर रहा है, तो रोटेशन में ना मास का इफेक्ट यूज होता है जिसको हम लोग कहते हैं इनर्सिया, इनर्सिया और मास एक ही चीज है, मतलब मास इज द मेजर ऑफ इनर्सिया, जिसके पास जितना ज्यादा मास, इनर्सिया मतलब अपने प्रीवियस स्टेट में बने रहने वाली टेंडेंसी को इनर्सिया कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है रेस्ट में ही बनी रहनी चाहती है, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है मोशन में ही बने रहना चाहता है, ड्यू टू दे हैव इनर्सिया, क्योंकि उसके पास इनर्सिया वाली टेंडेंसी होती है, और वो क्यों होती है, क्योंकि उसके पास मास होता है, इसीलिए कहा जाता है मास इज द मेजर ऑफ इनर्सिया, जिसके पास जितना ज्यादा मास उसकी इनर्सिया भी उतनी ज्यादा। तो यहां पे टर्क हो गया तुम्हारा ये, वैसे नियम आगे हम लोग टर्क को और पढ़ेंगे, इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है, ये क्या है, ये है आपका टर्क, टर्क पढ़ेंगे जिसे मोमेंट ऑफ फोर्स कहा जाता है, मोमेंट ऑफ फोर्स अलग से पढ़ने वाले हैं ये हम लोग, ये चीजें, तो ये कुछ एनालॉजी के बेसिस पे आपकी चीजें बनती जा रही है, आई बात समझ में? तो थोड़ा सा हम लोग डील कर लेते हैं पहले जो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, एक बार रिकैप करेंगे फिर आगे बात करेंगे हम लोग, और इसमें दो तीन और चीजें। एक बार जरा ध्यान से देखो कि रोटेशनल मोशन में क्या हो रहा है कि हर पार्टिकल सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम थीटा बना रहा है, सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है,
सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है। क्या इसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम होगा? बोलो, गारंटी है? चलो इसी चीज को थोड़ा थोड़ा देखना है डिस्कशन के पैरेलल। पहली बात, अगर आपको पता हो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको थीटा कहते हैं, होता क्या है बाबू, ये पार्टिकल अगर ये एस बना रहा होगा तो ये थीटा और ये आर, इट मींस आपको पता होना चाहिए कि थीटा इक्वल टू एस बाय आर, ये होता है, मतलब एस इक्वल टू आर थीटा। ये थीटा किस में मेजर करते हैं सर? थीटा जो है वो मेजर किया जाता है मेजर्ड इन या तो डिग्री में, नहीं, और या तो रेडियन में। और आपको ये रिलेशन भी याद होगा कि बोलो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, पता है ना? इस तरह से ये हो गया तुम्हारा थीटा, है ना? उसके बाद एक और पॉइंट्स है, अगला दूसरा वाला। हाँ, बस एक बार ओवरव्यू लेते चलते हैं, डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि ये चीजें हम लोग सीख चुके हैं, तो ताकि इस मतलब वाले जो नए लोग हैं उनको दिक्कत ना हो, बस एक बार रिकैप, क्योंकि यूज करेंगे ये सब सारा टर्म। एंगुलर वेलोसिटी, बाबू एंगुलर वेलोसिटी को ना ओमेगा से डिनोट करते हैं। अब ये एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, लिखना नहीं है, समझो। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है भाई? वेलोसिटी इक्वल टू नियम के हिसाब से क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहां पे कौन सा डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे? एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, नहीं, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम होता है। एंगुलर वेलोसिटी थीटा, थीटा बाय टी इक्वल टू ओमेगा यूज कर सकते हैं, नहीं, थीटा बाय टी। तो देखो रेडियन पर सेकंड आया, रेडियन पर सेकंड, इसका यूनिट थीटा का रेडियन, टाइम का सेकंड, ठीक है, गुड। उसके बाद ये एंगुलर, ये जो वेलोसिटी आएगी एंगुलर वाली, इसमें आपकी इंस्टेंटेनियस और एवरेज भी आ सकती है, आई बात समझ में? इसमें आप इंस्टेंटेनियस और एवरेज भी निकाल सकते हैं, ठीक। देखो तो कब हम लोग ओमेगा इंस्टेंटेनियस, सॉरी एवरेज की बात करें, अगर ओमेगा एवरेज तो एवरेज होता है क्या कि थीटा टू माइनस थीटा वन बाय टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन, नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट में चेंज कितने टाइम में हुआ है, ये आपको एवरेज टी टू माइनस टी वन, ये एवरेज ओमेगा देगा आपको। कैसे फाइंड करेंगे, सवाल से भी समझाएंगे। अगर यहीं पे आपको एट एनी इंस्टेंट निकालना हो, ओमेगा किसी भी इंस्टेंट निकालना होगा, तो आप क्या करिएगा, डी थीटा बाय डी टी करेंगे, ठीक है, डी थीटा बाय डी टी करेंगे। ये इंस्टेंटेनियस रिजल्ट देता है आपको, डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम लोग थीटा को टाइम के रिस्पेक्ट में, पहला डेरिवेटिव ओमेगा दे देगा आपको इंस्टेंटेनियस। और यहीं से अगर आप रिवर्स प्रोसेस में जाएंगे तो आप ओमेगा से थीटा भी निकाल सकते हैं। कैसे, आप लिख सकते हैं डी थीटा को ओमेगा डी टी, और इसे ही आप अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आपका काम बन जाएगा, मतलब टोटल आपको थीटा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, गुड। इसमें एक टर्म भी कभी कभी यूज किया जाता है, जरा अगर तुम ओमेगा और टाइम के बीच का कर्व ड्रॉ करो, ग्राफ ड्रॉ करिएगा, तो देखो दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है ना, और प्रोडक्ट हमेशा एरिया को सिग्निफाई करता है। तो कहीं ना कहीं आप चाहो तो ये भी कह सकते हो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर आपको चाहिए तो ग्राफ, एरिया अंडर ओमेगा टी कर्व या ग्राफ, हाँ जो भी, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो कर्व होगा उसका एरिया आपको क्या दे देगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे देगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये कुछ चीजें हो चुकी थी, एक बार नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बात करें फटाक। और अगर मान लीजिए आपको किसी भी इंडिविजुअल पार्टिकल का टाइम पीरियड निकालना हो, तो टाइम पीरियड कैसे निकालिएगा बाबू, टाइम पीरियड क्या होगा, ऐसे भी टाइम पीरियड मतलब हुआ कि ये पूरा कंप्लीट ट्रैक करने में जो टाइम लगा है, नहीं, तो टाइम हिसाब से, उस हिसाब से
टाइम हो जाना चाहिए टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो टाइम लगा, और जब पार्टिकल यहां से यहां जाएगा तो पूरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना बनाएगा, 2 पाई। देखो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम सॉरी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना बाबू रे क्या। तो यहां पे जो स्पीड आएगी गोल गोल वाली ओमेगा आएगी, स्पीड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लोगे, और जब ये पूरा चक्कर लगाएगा तो कितना एंगल बनाएगा, 2 पाई, 180 या इसी को 2 पाई कहते हैं, और ये पूरा टाइम टाइम पीरियड हो जाएगा आपका। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी आप कह सकते हैं, है ना। और एक टर्म आती है जिसको फ्रीक्वेंसी, और क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी सेंस होता है रोटेशन पर मिनट या रोटेशन पर सेकंड से, जिसको आप आरपीएम भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी होता है 1/f, तो अगर यहाँ पे 1/t के बदले आप 1/f पुट कर देंगे तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f ऑल्सो, ये भी एक रिजल्ट आ गया आपका। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है बाबू, हाँ 1/t, अच्छा ठीक है 1/t रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होता है। आई ये बातें हो गई, इंपॉर्टेंट बात जो डिस्कस होनी है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन पे। एंगुलर एक्सेलरेशन देखो होता क्या है, नेक्स्ट होगा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन, इनमें थोड़ी बातें आपको समझनी है। डिनोट करते हैं अल्फा से, यहां पे जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन का जनरल मीनिंग क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वो तो लिनियर एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अगर यहां पे हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें नहीं तो ये क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 ओमेगा 1 बाय रेट ऑफ चेंज मतलब टाइम t2 - t1। और ये जो आएगा इस केस में आपका ये ओवरऑल एक्सेलरेशन आएगा एंगुलर, जिसको हम लोग एवरेज कहते हैं। और यहीं से अगर आपको एंगुलर एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस निकालना हो तो आप क्या करेंगे, डी ओमेगा बाय डी टी करेंगे। और अगर इसी रिवर्स प्रोसेस को करो तो आप एक्सेलरेशन से ओमेगा भी फाइंड कर सकते हैं। जरा देखो तो यहां पे आप चाहो तो डी ओमेगा अल्फा डी टी यूज कर सकते हो, लेकिन ध्यान में यहां पे आपको यह रखना है कि यहां पे जो ओमेगा नहीं आएगा, सुनना, यहां पे जैसे यहां पे क्या आ जाता था, सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, यहां पे चेंज इन पोजीशन आता है जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यहां पे भी आपको चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी आएगी, एंगुलर वेलोसिटी नहीं आएगी। एंगुलर इस टाइम ड्यूरेशन में T1 से T2 में कितना चेंज हुआ है ये आएगा, ध्यान में देना। आई बात समझ में, मतलब इसका अल्फा और टी एरिया, दैट इज आप ये कह सकते हैं एरिया अंडर हाँ एक्सेलरेशन एंगुलर और टाइम के कर्व का नहीं, ग्राफ आपको क्या देगा, हाँ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी देगी आपको। एंगुलर वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा ये देगा, एंगुलर वेलोसिटी नहीं, फिर वहां से हम लोग निकाल लेंगे किसी पर्टिकुलर टाइम पे वगैरह जो भी। ये बातें तो हो गई साधारण सी जो हमें पहले से पता है, काम की बात देखते हैं ठीक है। अब यहां पे ये है कि तीनों लोग चाहे ओमेगा हो थीटा हो या अल्फा हो, इसका डायरेक्शन देखो, थीटा भी वेक्टर क्वांटिटी, ओमेगा भी वेक्टर क्वांटिटी और अल्फा भी वेक्टर क्वांटिटी, सारे लोग वेक्टर हैं तो इनका डायरेक्शन कौन बताएगा, उसके लिए आपके पास रूल है और राइट हैंड थंब रूल नहीं तो डायरेक्शन ऑफ, और ये सब सारे वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं, एक्सियल होते हैं, हाँ डायरेक्शन ऑफ थीटा अल्फा और ओमेगा नहीं ये हुआ, और ये तीनों वेक्टर कौन से वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर किसे कहते हैं सर, एक्सियल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका डायरेक्शन एक्सिस के अबाउट होगा, किसी एक्सिस के अबाउट होगा उसको एक्सियल वेक्टर कहते हैं। इसका डायरेक्शन कौन देगा, डायरेक्शन गिवेन बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, और राइट हैंड थंब रूल सबको लगाने आता है, राइट हैंड ये थंब इस तरह से हम लोग करते हैं। जैसे राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज करें, जैसे मान लीजिए ये जनरली ना क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन को पता करने के लिए यूज करते हैं। जैसे देखो कैसे करना है, पहले समझो राइट हैंड थंब रूल यूज कैसे करते हैं,
जैसे मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, ध्यान देना, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इसके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। अब हमें करना है, मान लो यहां पे हमें मान लो करना है ए क्रॉस बी करना है, ए क्रॉस बी करना है, तो ए क्रॉस बी करना है तो ए, और ए से फिर बी की तरफ जाना है, ये जो पाम को है ना, वो पाम को ए से बी की तरफ ले जाना है, तो ये क्या हुआ, इनवर्ड, इनवर्ड। और आपके पास इनवर्ड और आउटवर्ड के लिए दो साइन है वेक्टर में, एक है क्रॉस और एक है डॉट, तो क्रॉस इनवर्ड और डॉट आउटवर्ड होता है। आई बात समझ में? ए क्रॉस बी मान लीजिए एक रिजल्ट आया जो कि जिसका वैल्यू मान लो सी है, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसमें सी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्ड, इनवर्ड मतलब क्रॉस में, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्रॉस में, क्रॉस का मतलब हो गया कि इनटू द प्लेन। और इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये तुम्हें ध्यान रखनी है कि वेक्टर के साथ कि ये जो ए है ना बाबू, वो सी के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी, यानी दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट आता है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, ये हाँ सी के, सी ए भी सी के परपेंडिकुलर होगा और बी भी सी के परपेंडिकुलर होगा, होगा ना ये चीजें। तो कैसे करते, अगर यहीं पे तुम्हें बी क्रॉस ए करना हो तो बी से ए की तरफ थंब को ले जानी है, आउटवर्ड हो जाएगा, बी से ए की तरफ थंब को ले जानी, आउटवर्ड हो गया, क्लियर है। आइए थीटा का डायरेक्शन देखें, देखो यहां पे ये सब सारे एक्सियल वेक्टर हैं, डायरेक्शन आपका थीटा, जैसे अगर आप थीटा की बात करें, ये ट्रैक है मान लो, बस समझ रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हैं, ठीक है, हमने पॉइंट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ हमारा टेंडेंसी है मोशन का ये वाला, तो थीटा का डायरेक्शन देखना है, तो देखो यहां पे क्या हुआ, नहीं ये वाला, आ हा हा, एक्सियल वेक्टर है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, डायरेक्शन कौन देगा, डायरेक्शन कौन देगा, अरे बाबू थंब, थंब देखो आपको क्या करना है, हाँ बोलो, अच्छा सॉरी वो तो प्रोडक्ट का डायरेक्शन देगा, यहां पे कोई प्रोडक्ट नहीं हुआ है, सॉरी सॉरी, हाँ थंब किसका डायरेक्शन देगा, ये सी का, थंब किसका डायरेक्शन देगा बाबू, सी का, दो वेक्टर के प्रोडक्ट का, तो जहां पे वेक्टर का प्रोडक्ट होगा वहां पे, ये हुआ थंब रूल यूज करते हैं। अब यहां पे क्या होगा कि थीटा का डायरेक्शन आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको क्या करना है, ए से देखो मोशन की टेंडेंसी पकड़नी है, मोशन कहां से कहां हो रहा है, अगर दिख रहा होगा तो हमने पहले ये स्पेसिफाई कर दिए ना कि आपको कहां से कहां जाना है बाबू, आपको ए से बी जाना है, और ए से बी जाना है मतलब फ्रॉम ए टू बी, तो फ्रॉम ए टू बी इसमें क्या देखना है, तुम्हें रोटेशन का सेंस देखना है, तो आपके पास दो तरह के सेंस होंगे, अगर ये वाला सेंस होगा एंटी क्लॉकवाइज, और अगर ये वाला सेंस होगा तो क्लॉकवाइज, तो यहां पे कौन सा क्लॉक, ये हो गया बाबू एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इस सेंस में, ये हुआ थीटा के बारे में, नहीं उसके बाद अगर हम ओमेगा की बात करें, अब देखो ओमेगा क्या है, इन जनरल याद होगा कि ओमेगा है क्या, v इक्वल टू r टाइम्स ऑफ ओमेगा था, नहीं, या ओमेगा को हम लोग कहते थे किसके किसके बीच का डॉट प्रोडक्ट होता, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट होता था, ये ओमेगा r और v परपेंडिकुलर ओमेगा, हाँ वो सॉरी v इक्वल टू r ओमेगा होता था, v इक्वल टू r ओमेगा होता था, हाँ ठीक 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 ठीक, ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर, ठीक ओमेगा आउटवर्ड, हाँ ये परपेंडिकुलर होता है ना एंगुलर वेलोसिटी रेडियस के, नहीं एंगुलर वेलोसिटी लिनियर वेलोसिटी होती है, एंगुलर नहीं लिनियर वेलोसिटी होती है, देखो इसमें भी अगर हम बात करें, जब मान लो ए से बी गए, जान दो जब हम ए से बी जा रहे हैं, ए से बी वाली टेंडेंसी है हमारी, तो यहां भी वही रूल यूज करेंगे, राइट हैंड रूल यूज करेंगे, यहां पे भी ओमेगा, देखो
अगर हम बस तुमको ये पूछे कि यहां पे थीटा, एक तो तुम्हें ये दिख रहा है कि थीटा का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, थंब का सेंस क्या है आउटवर्ड, यहां पे अगर इस सेंस में देखो ये तीनों है सारे एक्सियल वेक्टर, ये तो फिक्स है, तो एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन आएगा इससे ही, ये फिक्स है। रोटेशन का सेंस आपको ये देगा, लेकिन ये थंब किधर पॉइंट कर रहा है आउटवर्ड, बस दोनों में ना टेंडेंसी देखनी है कि आखिर क्या हो रहा है। इसका टेंडेंसी क्या है आउटवर्ड की, और इसी सेंस में, इसी सेंस में अगर हम ओमेगा की टेंडेंसी देखें तो क्या हो गया आउटवर्ड। रिवर्स देखते हैं जरा, क्या थीटा की टेंडेंसी बदलने से ओमेगा की भी टेंडेंसी बदलती है क्या, एक बार चेक करते हैं। अगर यहीं पे बी से ए चले तो बी से ए ओमेगा की टेंडेंसी भी बदल गई, मतलब थीटा और ओमेगा की टेंडेंसी हो गई आपकी सेम, थीटा और ओमेगा की टेंडेंसी आपकी सेम हो गई, दोनों सेम सेम डायरेक्शन में एक्ट करेगा ऑलवेज, जिस डायरेक्शन में थीटा उसी डायरेक्शन में आपको ओमेगा भी एक्ट करेगा। ये तो हो गया, यहां से ये चीजें समझ में आई। क्या ये दोनों बदल भी सकते हैं, अलग अलग भी होते हैं, परंतु अच्छा एक्सेलरेशन की बात हो गई ना, अरे बाबू थीटा आउटवर्ड कैसे, ये हुआ थीटा की मोशन का सेंस, नहीं ये एंटी क्लॉकवाइज जो आपने कहा, और ये थंब ना है, यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहे हैं, यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं हम, ये तो आपका हो गया इसका किस मोशन में थीटा हो रहा है, और ये इसका सेंस हो गया एक्सियल के बेसिस पे, एक्सियल वेक्टर के बेसिस पे। देखो एक्सियल वेक्टर, वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा कौन देता है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट देगा आपको एक्सियल वेक्टर है, तो एक्सियल वेक्टर में पता कैसे चलेगा क्रॉस प्रोडक्ट किधर हो रहा है, अगर किसी का क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है तो वो थंब पॉइंट करेगा, अदरवाइज आपके पास यहां पे तो कोई प्रोडक्ट करने लायक है नहीं, थीटा के डायरेक्शन के लिए आपके पास तो कोई प्रोडक्ट नहीं हुआ है, बिना प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना है तो वहां पे सेंस देखा जाता है, सेंस क्या है मोशन का, मोशन का सेंस क्या है, तो मोशन का सेंस क्या है, नहीं ए से बी की तरफ क्या हुआ एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज सेंस के लिए थंब किधर आएगा आउटवर्ड, इसीलिए यहां पे भी वही हुआ एक तरह से। अब जरा अल्फा के बारे में बात करें, एंगुलर एक्सेलरेशन, अब बताइए एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या हाल होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन बोलोगे सर यहां भी आउटवर्ड होगा, देखो लेकिन रुको ये एक्सेलरेशन है, जैसे ये ओमेगा है ना, अगर मान लो जैसे मशीन का एक ये चक्की है, पहिए है, वो स्पीड में घूमना स्टार्ट किया, जैसे ये फैन, मान लो ये फैन अभी चलना स्टार्ट किया, ठीक है, चलाओ मीनू फैन थोड़ा सा जल्दी बंद कर देना, ठीक है, देखो ना ऊपर वाला फर्स्ट इधर, हाँ ध्यान से फैन को देखिए, धीरे धीरे ये स्पीड पकड़ी है, ठीक है, अब ऑफ करो, अब ये स्लो डाउन हो रहा है, जब ये स्पीड पकड़ रही होगी तब भी इसके पास अल्फा होगा, जब ये स्लो डाउन हो रहा होगा तब भी इसके पास अल्फा होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी दोनों केस में हो रही है। फिर से सुनो अल्फा क्या है, अल्फा है रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, मतलब जब आपने स्विच ऑन किया तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ती गई, तो ओमेगा में तो चेंज आता गया, लेकिन ये ओमेगा में जो चेंज वाली टेंडेंसी है वो कौन सी वाली है, स्पीड अप बढ़ने वाली, उस वक्त उसके पास उस वक्त अल्फा होगा, और मान लीजिए ये टेंडेंसी है, ये क्या है अल्फा आउटवर्ड हो रहा है, हम मान रहे हैं कि ओमेगा बढ़ रही है रेट, मतलब ओमेगा में जो चेंज हो रहा है स्पीड अप हो रहा है, ठीक है, स्पीड अप हो रहा है तो आउटवर्ड आया मान ले। लेकिन आप ये बताइए जब ये मोशन का डायरेक्शन वही है, ध्यान से सुनो, मोशन का डायरेक्शन वही है लेकिन ये डाउन हो रहा है, धीरे धीरे स्लो हो रहा है, तो अल्फा का डायरेक्शन वही होगा, तब तो रिटार्डेशन वाली सेंस आने लगेगी, एक्सेलरेशन अपोजिट एक्ट होने लगेगा, मोशन का डायरेक्शन सेम होने के बावजूद भी रिटार्डेशन नहीं पड़ा है। रिटार्डेशन क्या होगा, जैसे ब्रेक आप लगा रहे होते हैं मोशन उधर ही होती है लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन रिवर्स नहीं होता है, तो वो सेंस कब आता है, जब स्लो डाउन हो रहा हो, तो अल्फा मोशन का डायरेक्शन, अगर मोशन का डायरेक्शन सेम ही हो लेकिन स्पीड अप वाली टेंडेंसी हो, तो एक्सेलरेशन जिधर लग रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन जिधर हो रहा है, मोशन के डायरेक्शन वही रहने के बावजूद भी अगर स्पीड डाउन हो रहा हो तो डायरेक्शन
रिवर्स हो जाएगा, मतलब अल्फा का डायरेक्शन आउटवर्ड भी हो सकता है और इनवर्ड भी हो सकता है। इसका डायरेक्शन फ्लेक्सिबल होता है, बदलता है बाबू, इसका डायरेक्शन दोनों हो सकता है एक ही मोशन में, एक ही मोशन में आउटवर्ड भी हो सकता है और इनवर्ड भी हो सकता है। अब कब आउटवर्ड होगा, इस केस में अगर हम आउटवर्ड को स्पीड बोल रहे हैं कि ये घट रही है, अगर ये स्पीड बढ़ रही होगी तो आउटवर्ड माने हैं, तो स्पीड घट रही होगी तो उस केस में इनवर्ड होगा। आई बात समझ में? तो अल्फा की डायरेक्शन दो चीजें होंगी। एक चीज और, क्या ये चीजें फिक्स भी की जा सकती है? हाँ, फिक्स की जा सकती है। कब? यहां पे लिखें थोड़ा सा, इसमें यही बातें याद रखने वाली है मेनली इंपॉर्टेंट। देखो पहली बात कि अब ये आउटवर्ड और इनवर्ड को छोड़ो, अब ये समझो कि अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन जब स्पीड अप होगा, स्पीडिंग अप मान लो स्पीड बढ़ रही है, तो उस केस में अल्फा जो होगा वो अलोंग ओमेगा होगा। ठीक, सीधी सी बात है, वेलोसिटी डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन हुआ तो वेलोसिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आई बात समझ में? और मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट अगर जैसे वेलोसिटी आगे है नहीं, और उस वक्त जब अल्फा लगता है तो वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट अल्फा एक्ट करती है, तो उस केस में स्पीड डाउन होता है। जब भी मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट एक्सेलरेशन लगती है उस वक्त उसकी स्पीड डाउन होती ना, इसका मतलब ये हो गया कि जब स्पीडिंग अप होगा तो अलोंग ओमेगा, और जब स्पीडिंग डाउन होगा बस उस वक्त स्पीडिंग डाउन होगा तो उस वक्त अपोजिट टू ओमेगा। अल्फा का डायरेक्शन क्या हो गया? अपोजिट टू ओमेगा, अपोजिट ओमेगा। ये दोनों बातें आपको समझनी है, बस हो गया। ठीक है, अपोजिट टू ओमेगा, ये बात समझ पाए? अल्फा का देखो, ओमेगा का डायरेक्शन फिक्स, थीटा का भी डायरेक्शन फिक्स, लेकिन अल्फा का डायरेक्शन डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, स्पीडिंग अप पे, स्पीडिंग डाउन पे। जैसा एक्सेलरेशन होता है बाबू, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन स्पीडिंग अप स्पीडिंग डाउन पे डिपेंड करती है, उसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन पे करेगी। अगर स्पीडिंग अप हो रही है, स्पीड बढ़ रही होगी रोटेशन में, सर्कुलर में स्पीड बढ़ रही होगी, तो उस वक्त अल्फा ओमेगा के अलोंग एक्ट कर रहा होगा। अगर स्पीड डाउन हो रही तो जैसे घूम इधर रही है, फैन इधर घूम रही है और धीरे धीरे स्लो हो रहा है, तो अल्फा किधर एक्ट होता होगा? अपोजिट लगता होगा, सीधी सी बात है, क्लियर है? इसीलिए आउटवर्ड और इनवर्ड के चक्कर, ये तो हुआ किसी फिक्स सिचुएशन के लिए ना, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए ना, ये परमानेंट बात है, ये परमानेंट होती है, ये इसी का एक केस है, एक फिक्स हमने एक केस मतलब एक सिचुएशन एज्यूम किया तो उसके बेसिस पे आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों आ सकता था, लेकिन ये कंसेप्ट परमानेंट है। फटाफट छाप लीजिए। देखो इसी को एक बार समझा देते हैं, यहीं पे एक बार समझ लो। अभी मान लो ये जो रोटेशन हो रहा है ए से बी, सुनो ए से बी, इस केस में मान लो एंगुलर वेलोसिटी ना बढ़ रही है, स्पीड अप हो रहा है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या? ओमेगा का डायरेक्शन, स्पीड अप इस केस में ओमेगा का डायरेक्शन, थंब आउटवर्ड इस केस में ओमेगा किधर है बाबू? आउटवर्ड है। तो क्योंकि स्पीड अप है इसीलिए अल्फा भी आउटवर्ड। अब सुनो केस टू, अगर ओमेगा डाउन हो रहा हो, ओमेगा स्लो हो रही है, घट रही है, तो ओमेगा का डायरेक्शन आउटवर्ड नहीं, ओमेगा का डायरेक्शन आउटवर्ड बट अल्फा का डायरेक्शन अपोजिट। आई बात समझ में? क्या इनवर्ड? आप समझे बात को? देखो स्लो डाउन वाला केस बता रहे हैं, जब सेम होगा, जब अप स्पीड अप होगा उस वक्त दोनों का डायरेक्शन सेम, जब स्पीड डाउन होगा तो ओमेगा का जो डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट अल्फा का डायरेक्शन होगा। आई बात समझ में?
ओमेगा का डायरेक्शन जो होगा उसके अपोजिट अल्फा का डायरेक्शन होगा। क्लियर है? छाप लीजिए। हम आपको याद होगा कि एंगुलर रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन था। देखो, आप जानते हैं कि लीनियर वेलोसिटी होता है डी एस बाय डी टी वी इक्वल टू डी एस बाय डी टी। उसी तरह से ओमेगा इक्वल टू होता है डी थीटा बाय डी टी। और आपको यह पता है कि एस इक्वल टू आर थीटा होता है, एस इक्वल टू आर थीटा होता है, समझो। तो हम वी को लिख सकते हैं सर डी एस के प्लेस पे आर थीटा, एस के प्लेस पे आर थीटा, डिफ्रेंशिएट कर दिए टाइम के रिस्पेक्ट में, आर कांस्टेंट अब बाहर कर लिया और डी थीटा बाय डी टी हुआ इक्वल टू वी वी आर, और ये हो गया आपका डी थीटा बाय डी टी क्या होता है ओमेगा। यहां तो हमें पहले से पता है। सीखने वाली चीजें क्या है यहां पे ये देखो तो जरा, जब मोशन आपका रोटेशनल हो रहा हो, ठीक है, रोटेशनल मोशन हो रहा हो, इसमें जो मान लीजिए अलग अलग पार्टिकल हैं, अलग अलग पार्टिकल हैं, वो मान लो कुछ टाइम में ये पार्टिकल यहां पहुंचा, ये पार्टिकल यहां और ये पार्टिकल मान लो यहां, अच्छा ये मान लो यहां पहुंचा, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि सब लोग सेम टाइम में सेम एंगल बना रहे हैं, जैसे पार्टिकल ए बी सी है मान लो, ठीक है। अगर हम बात करें ओमेगा ए का तो थीटा बाय टी, क्या थीटा अलग नहीं, टी अलग नहीं, ओमेगा ही। उसी तरह से अगर ओमेगा बी की बात करें तो वो भी थीटा बाय टी होगा, और ओमेगा सी की बात करें थीटा बाय टी होगा। कहने का मतलब हुआ कि इसके हर इंडिविजुअल पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, नहीं आप ये कह सकते हैं कि ओमेगा ए ओमेगा बी और ओमेगा सी जो होगा वो इक्वल होगा, मतलब एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी सेम। हाँ या ना, एंगुलर वेलोसिटी सेम आया हर इंडिविजुअल पार्टिकल का। आइए जरा लीनियर वेलोसिटी की बात करें, वी आर ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी की बात करें, देखिए एंगुलर वेलोसिटी की बात, आप हम चाहते हैं लीनियर वेलोसिटी ए पार्टिकल का निकालेंगे, ए का आर वन इसका और यहां पे आर टू इसका आर थ्री, बताइए सबका अलग है कि नहीं। तो अगर हम वी इक्वल टू करेंगे ओमेगा तो सबका सेम है, वी इक्वल टू आर वन ओमेगा, ओमेगा तो मान लो सबका सेम ही है तो टेंशन की बात नहीं है, नहीं ये मान लो सेम है, लेकिन जरा देखो तो आर वन अलग अलग है ना। उसी तरह से भी अगर बी निकाले वी बी निकाले तो आर टू ओमेगा क्या वी सी आर थ्री ओमेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट आएगी हर इंडिविजुअल पार्टिकल की, यही स्पेशलिटी होती है रोटेशनल मोशन का, नहीं दैट इज आप ये कह सकते हैं। अच्छा सबसे बड़ा भी कौन होगा बाबू, जिसका सबसे बड़ा आर होगा कौन सा, बी बी सी, बी सी ग्रेटर देन वी बी ग्रेटर देन वी ए, मीन्स आप ये कह सकते हैं लीनियर वेलोसिटी इज नॉट सेम, लीनियर वेलोसिटी आर नॉट सेम, हर इंडिविजुअल पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं होती है। कौन सा, रोटेशनल मोशन में या एंगुलर मोशन में, जब कोई रिजिड बॉडी एंगुलर मोशन कर रही होगी ना, नहीं तो ये चीजें मात्र आपको ध्यान में रखनी है कि इन एंगुलर मोशन में क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर, हाँ एंगुलर वेलोसिटी जो होगी हर पार्टिकल की क्या होगी सेम होगी, नहीं बट लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं होती है एंगुलर मोशन में, ठीक है।
इसे छापिए, इसको एक बढ़िया एग्जाम्पल से समझाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि अलग अलग पार्टिकल की लिनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी, और ये डिपेंड करती है किस पे, आर पे, जिसका रेडियस ज्यादा होगा, नहीं, पाइवेटेड पॉइंट से जो ज्यादा दूर होगा उसके पास लिनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी, सेम एंगुलर वेलोसिटी बनाने के बावजूद भी। ठीक है, इसी बात को आपको याद रखना है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझें। आपने मान लीजिए एक ऐसे साइकिल डिजाइन करने हैं जिनके जो दो पहिए हैं ना, दोनों अलग अलग रेडियस का हो। मान लीजिए हमारे पास एक साइकिल है, और इस साइकिल के जो आगे और पीछे वाले पहिए होते हैं ना, थोड़ा यूनिक टाइप के, देखा होगा आपने डिस्कवरी वगैरह सब में, एक का छोटा एक का बड़ा, या बड़ा छोटा ऐसे टाइप का, या मोटरसाइकिल भी तो आता है एक, मान लो बड़ा और पीछे से झुक के सो के चलाने वाला आता है ना, हाँ, उस पर आराम से कभी कभी सो भी सकता है, लेकिन आंख लगा तो फिर पता चला कि जब आंख खुली तो पहुंचे थे कहीं पे नहीं। मान लीजिए एक साइकिल है हमारे पास, और ये साइकिल के दो पहिए हो गए, ठीक है, और ये साइकिल के दो पहिए हैं जो ग्राउंड पे चल रहे हैं, जिनका रेडियस अलग अलग होगा। इनका रेडियस मान लीजिए हमारे पास, इनका रेडियस है आर, तो इनका रेडियस मान लीजिए 2R है, मान लीजिए इसका रेडियस है 2R। आपने ऐसे साइकिल डिजाइन करने हैं, साइकिल का बस ये बता रहे हैं, दो पहिया है, दोनों पहिया जमीने में चलेगा ना, अच्छा ये ऐसे करके चलना हुआ है जहां, हाँ हाँ, उसमें भी होता है, बुलडोजर में भी होता है ना, जो भी। अब ये कहा गया रेडियस दे रखा है, ठीक है, इसके पास भी अपनी खुद की, जैसे मान लीजिए ये फ्रंट व्हील है और ये रेयर व्हील है पीछे वाला, ठीक है, हाँ, तो अब आप ही बताइए इनके पास भी लिनियर वेलोसिटी होगी, इसके पास भी होगी, तो ये रिलेशन आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है, इक्वल टू 2VR, तीसरा VF इक्वल टू VR, और चौथा VF इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन, क्या होगा आपको बताना है कि इनमें से ये सब क्या है, फ्रंट व्हील की लिनियर वेलोसिटी, और ये जो VR है वो रेयर व्हील की यानी पीछे वाले व्हील की लिनियर वेलोसिटी है, इनमें से कौन सा रिलेशन होगा करेक्ट, कौन सा होगा, ए बी सी डी, डी बी, ये वाला बराबर, सॉरी वी एफ बराबर टू वी आर, डी बी दोनों हो सकता है, ग्रेटर देन वाला हो गया, दोनों हो सकता है, बी और डी आपका दोनों है ना, बड़े दुख के साथ कहना है ये दोनों ऑप्शन गलत है, ना बी ना डी, अरे बकला सुनो, अगर सुनो अगर ये हुआ, हाँ दोनों के बात है, अगर ये हुआ वी एफ इक्वल टू, देखो सिचुएशन क्या है, वी एफ यानी कि फ्रंट व्हील आगे वाली व्हील से लिनियर है ना, ये सुनो ये फ्रंट व्हील है, तब भी गलत है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ तुम ये कह रहे हो, किस पे बात करें अब तो ये ही आएगा, किसी एक पे बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं पहला वाला, सुनो अच्छा क्या होना चाहिए पहले ये तो सुनो, कहोगे कैसे, ऐसे होना, देखो v इक्वल टू r ओमेगा होता है ना बाबू, ओमेगा तो सेम सेम, तो आप क्या करिएगा r करिएगा, तो v अगर मान लीजिए r v रेयर व्हील का करिएगा तो r कितना है इसका 2r ओमेगा, और अगर फ्रंट व्हील का करोगे बाबू देखो तो फ्रंट व्हील का करोगे तो फ्रंट व्हील का r कितना है r ओमेगा, तो नियम के हिसाब से आ क्या रहा है, रूल के हिसाब से आ रहा है कि वी आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वी एफ, ये आ रहा है, करोगे कैसे कुछ, इसीलिए तो ये गलत हुआ ना। अब सुनो नियम के हिसाब से आपका तो वी आर इक्वल टू टू वी एफ आना चाहिए, कहा ये ऑप्शन पहला वाला, लेकिन ये गलत है, किस सेंस में, देखो ये लिनियर वेलोसिटी की बात की जा रही है बाबू, लिनियर मतलब आगे आगे जाने वाला वेलोसिटी, तो ये इसका ये मतलब होगा ना कि जो पीछे वाले पहिए हैं वो आगे वाले पहिए से दो गुनी ज्यादा स्पीड से आगे जा रहा है,
अब बताओ एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, एक पहिया कुछ अलग स्पीड से दूसरा अलग स्पीड से जाएगा तो गाड़ी टूट नहीं जाएगा या, और ये हुआ कि ये रकम रकम जा रहा और ये जा ये पहिया बहुत स्पीड से जा रहा है जाके ठोक देगा साइकिल ही टूट जाएगा, होगा क्या नहीं होगा? आखिर यहाँ पे हुआ क्या है? यहाँ पे ये ओमेगा इसको बैलेंस करता है, ओमेगा एडजस्ट। आपने देखा होगा कि अगर मान लो एक बड़ी व्हील होते हैं छोटे व्हील होते हैं तो छोटा व्हील जल्दी जल्दी घूमेगा, इसकी फ्रिक्वेंसी अलग होगी, बिल्कुल थीटा इक्वल टू एल बार करिएगा वो सेम होगा, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। बड़ा वाला व्हील जो होगा वो रकम रकम घूमेगा, मतलब जो पूरा राउंड लेगा, और उतने राउंड में छटका वाला व्हील चार पांच बार घूम जाएगा ना, होगा क्या? आई बात समझ में? एंगुलर वेलोसिटी तो जब चार पांच बार घूमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी ना, अलग अलग नहीं होगा। हाँ मतलब हाँ वही ना, नंबर ऑफ रोटेशन अगर अलग अलग हो गया तब तो ओमेगा भी अलग अलग हो जाएगा, और यही होता यहाँ पे होता भी है। सुनो यहाँ पे क्योंकि ये कनेक्टेड बॉडी है ना, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड मोशन होना है तो आपको लिनियर वेलोसिटी सेम रखनी पड़ेगी, और उस कारण से ओमेगा बदलेगा, और ओमेगा क्या बदलेगा? ओमेगा उसी हिसाब से। आप बताओ कौन जल्दी जल्दी घूमेगा, कौन जल्दी जल्दी घूमेगा? ये घूमेगा छोटा वाला ज्यादा, इसके दो गुने स्पीड से, क्योंकि देखो ना ये बैलेंस करना है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा बाबू? तो ऑप्शन अगर ये होता कि ओमेगा फ्रंट व्हील का ट्वाइस ऑफ ओमेगा ऑफ रेयर व्हील, पीछे वाले व्हील का, ये होगा इस हिसाब से आंसर क्या होगा? इस ऑप्शन में आंसर आपका ये बराबर रखना पड़ेगा आपको, तो बदलेगा क्या ये ओमेगा, नोट कर लीजिए। समझाना जो चाह रहे थे समझ गए ना? हाँ, तो ध्यान से सिचुएशन को एनालिसिस करना है, उसके हिसाब से ऑप्शन टिक करना है। धन्यवाद, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। कह रहे क्यों ये ओमेगा ट्वाइस कैसे हुआ बाबू, बताओ वी इक्वल टू क्या होता है? वी इक्वल ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर होगा ना, तो वी तो हमें सेम रखना होगा, इसका फ्रंट व्हील का आर कितना है? आर है, उसी तरह से ये हो गया रियल व्हील का, तो V सेम रखना है तो इसका 2R है। आप ही बताइए V रियल का हो गया ना कितना, इसके सिचुएशन भाई, तो सिचुएशन एनालिसिस नहीं करिएगा, साइकिल का पहिया है दोनों सेम लिनियर वेलोसिटी रखनी पड़ेगी, इसलिए ना V सेम हुआ, ये हमारी नेसेसिटी है, हमारी आवश्यकता है, इसीलिए क्या समझे बात को? तो अब क्या हो गया आपका, अब V ओमेगा आर के जगह पे आप क्या रखोगे? ओमेगा एफ बाय टू, तो हुआ ना ओमेगा एफ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा आर, समझे बात को? वी सेम रखना था, ये कैसे पता चला? एनालिसिस से, कॉमन सेंस से, तो आपको ये पहले पता रखना पड़ेगा। अगर दोनों की वेलोसिटी, दोनों व्हील की वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएगी, या तो दोनों खींचा चला जाएगा या तो दोनों चिपक जाएगा, इसलिए ना चिपके ना खिंचाए तो दोनों की सेम रखनी पड़ेगी, इसलिए ओमेगा अलग अलग होना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद।